शाम को निकली थी घूमने के लिए गांधी मैदान में, एक उसी दिन न्यू मेला लगाया था, हम लोगों का फूड स्टॉल भी वहाँ पे लगने वाला था, तो वही सब देखने के लिए मैं गई थी और बस मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया और वहाँ से फिर मैं निकल गई। तो थोड़ा बहुत आप भी देख ही लो। और इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा, मतलब झारखंड का शायद बोल रहे थे कि एक डांस हुआ था, तो थोड़ा बहुत उसका भी था, उसे भी देखो और इन्जॉय करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं प्रसाद खा लेती हूँ और सबको पहले प्रसाद दे देती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मैं अभी फ्री हुई हूँ आफ्टरनून में, मैं आपसे मिल रही हूँ। सुबह में मैंने बस थोड़ा सा क्लिप सेट किया था आपको, पूजा वगैरह की। आज मेरी फास्टिंग है, आज शिवरात है। बहुत सारे ऐसे फास्टिंग होते हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता होते, तो उसी में का एक शिवरात है जो मैंने आज किया है। तो उसके बाद मैं बहुत सारे काम में लग गई थी, तो मैं फ्री नहीं हो पाई थी, और अभी आफ्टरनून में मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो बस बहुत सारा काम पड़ गया था, तो मैं उसी में बिज़ी हो गई थी, और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। मैंने सुबह का प्रसाद खाया है, तो अभी थोड़ी बहुत भूख मुझे लग गई है, तो चलते हैं फटाफट से चाय बनाते हैं और पीनट्स रोस्ट करते हैं और उसी को खाते हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं किचन में। और ठंडी का क्या हाल चाल है आप लोगों के शहर में बताइएगा। मेरे ख्याल से हर साल के अनुसार इस साल ठंडी कम है पटना में, क्योंकि दिसंबर में आई थिंक बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। और देखिए, मैंने स्वेटर या फिर स्वेट शर्ट कुछ भी वेयर नहीं किया है। वैसे मुझे ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, बट दिसंबर में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने लगती थी। बट इस साल
धूप हुआ है, काफ़ी तेज़ धूप हुआ है। मैं मॉर्निंग में भी बैठी थी तो आपको दिखा रही थी कि धूप हुआ है, अच्छा धूप हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ैन चालू करना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी वाला मौसम नहीं है, ठंडी का मौसम है। बट मतलब वो कड़ाके वाली जो ठंडी है मेरे ख्याल से अभी वो नहीं हुई आ रही है, जो कि बहुत ख़राब है। क्योंकि मोस्टली इंडिया में एक महीने ही सर्दी होती है, दिसंबर से जनवरी, खिचड़ी संक्रांति के बाद वैसे भी ठंडी ख़त्म ही होने लगती है, और यहाँ पे दिसंबर भी आधा ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है और ठंडी का कुछ मतलब अता पता नहीं है जो होनी चाहिए दिसंबर में। क्योंकि बिहार में ठंडी अच्छी पड़ती थी और इस बार ठंडी उतनी नहीं पड़ रही है, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि अब ठंडी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी यार, एक महीने तो ले देके ठंडी पड़ती है, उसमें भी कटौती हो रही है, तो पता नहीं हम लोग इन्वायरमेंट के साथ क्या खेल खेल रहे हैं और हम लोगों को आगे कितना भुगतना है, वो तो भगवान ऊपर से देख रहे हैं, वही जानते हैं। खैर क्या किया जा सकता है, चलिए चलते हैं और अपने लिए लंच प्रिपेयर करते हैं, अपना पीनट्स और चाय। चलिए और अभी मैं अपनी बालकनी में बैठ गई हूँ और मैं अपना लंच आराम से इंजॉय करूँगी, थोड़ा बहुत कुछ यूट्यूब वीडियोस देखते हुए। अच्छी धूप आ रही है, मुझे धूप उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, अभी बहुत कड़ा हो गया है, बस मेरा पैर थोड़ा धूप में हो ऐसा ही ठीक लग रहा है। तो मैं अपना इंजॉय करती हूँ अपना फूड और मिलती हूँ आपसे शाम में, मिलती हूँ क्योंकि अब तो 2 बज ही चुके हैं, 2:30 बज चुके हैं। थोड़ा खाऊंगी, थोड़ा रेस्ट करूंगी, सुबह से उठ के काम 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 काम, तो थोड़ा रेस्ट करूंगी। मिल दूँगी आपसे थोड़ी देर बाद। हाय एवरीवन, शाम हो चुकी है, पूजा हो चुकी है और अभी थोड़ी भूख लग रही है। तो ये एप्पल का साइज देख रहे हैं आप, कितना बड़ा है, ह्यूज एप्पल है। तो इसे मैं कट करने वाली हूँ और इसे हम लोग खाएँगे, हम लोग मतलब बेटा भी खाएगा, ऑब्वियसली वो भी खाएगा। तो बस मैं इसे कट कर रही हूँ, बापरे बहुत ज़्यादा बड़ा, पहले ही पचका तो होना ही होना है, लग रहा है हाथ में भी लग गया, पचका ना हो ऐसा कुछ होता है। और ये देखिए बड़े पे नहीं जाना चाहिए, समझ आए, देखिए अंदर से थोड़ा बहुत दाग भी है इसमें, इसीलिए बड़ा बड़ा करके उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, समझे। देख रहे हैं अंदर में थोड़ा बहुत दाग भी है एप्पल में, इतना यूज, इतना जम्बो, इतना जम्बो साइज है, देख रहे हैं यहाँ पे, इसको कट करके मुझे निकालना होगा। तो बस अभी मैं एप्पल खाऊंगी और बेटा के लिए भी खाना मैंने दे दिया है। कचौड़ी मेरा बेटा खा रहा है ना, कैसा है? बता दूं कि सब्जी खाने में मेरा बेटा बिल्कुल मेरे ऊपर गया है, मुझे चटपटा खाना बहुत पसंद है और उसे भी सब्जी खाना बहुत पसंद है, और मतलब अभी स्पाइसी नहीं है, आलू गोभी का सब्जी और कचौड़ी खा रहा है दाल भर के। उसे एप्पल खाना था, तो इतना बड़ा जंबो एप्पल था तो मैं तो अकेले खा नहीं पाऊंगी, तो मैंने बोला कि वही कट करती हूँ, उसमें से तू भी खा लेना। तो बस वो अभी खा रहा है, उसके बाद ये खाएगा और मैं भी एप्पल अभी इंजॉय करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ऐसे एक बात तो मानना पड़ेगा, आजकल जो एप्पल्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं। मैंने कितनी बार इस बार एप्पल लिया है और मैं देख रही हूँ कि एप्पल बहुत ज़्यादा स्वीट थे और ये एप्पल भी सेम बहुत ज़्यादा मीठा है। मैं जो हूँ खाना ना, और मैं रात के डिनर में खाने वाली हूँ ये यमी यमी रसमलाई, मैं अभी बाहर गई थी और लेके आई हूँ, तो मैं इसे अभी इंजॉय करूँगी। तो मैं अभी गई थी बाहर और ठंडी ठंडी रसमलाई मैं अभी खाऊंगी डिनर में, मैंने पूरे दिन क्या किया आपको दिखाया ही, और मुझे रसमलाई बहुत पसंद है। यम यम यम, ये रसमलाई मुझे इससे भी ज़्यादा पसंद है क्योंकि औरों के मुकाबले ये थोड़ा स्वीट कम होता है, मीठा कम होता है, तो मुझे रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद है।
और मैं बहुत बार वीडियो में बता चुकी हूँ, तो रात का मेरा डिनर है ये रसमलाई। मैं इसे फटाफट से अपना इंजॉय करूँगी और बेटा को भी पढ़ा रही हूँ। आई थिंक 8 8:30 हो रहा है तो मैं वही खा रही हूँ, उसे पढ़ा रही हूँ। तो बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रसमलाई इंजॉय करती हूँ। आपको भी खाने का मन है तो जाइए बाहर मार्केट से खरीद के लाइए और खाइए, किसका इंतजार करें, क्योंकि मैं तो नहीं देने वाली रसमलाई, मेरी फेवरेट डिश है। आपको बताएं, टाटा बाय बाय।